हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए बात करते हैं हमारी आज की क्लास में एक और नया कॉन्सेप्ट के साथ में। तो जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि नया पार्टनर जब बिजनेस में एडमिट होता है तो एक तो अमाउंट ऑफ कैपिटल और एक अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर के आता है। फिर हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था कि नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लाता है या तो वो कैश में लाएगा या वो कैश में नहीं लाएगा। अगर वो कैश में गुडविल का अमाउंट नहीं लाता है तो हम लोग उसके करंट अकाउंट से क्या कर लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं। और नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा या कैश में नहीं लाएगा उस अमाउंट को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में किस रेशियो में बताओ, सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कुछ पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लाने वाला है उसमें से गुडविल का अमाउंट कुछ पार्ट तो लाएगा कैश में और कुछ पार्ट कैश में नहीं लाएगा, तो बाकी पार्ट उसके हम लोग कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, रोज मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ पर आज एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 ले रहा हूँ मैं फ्रॉम डीके गोयल पेज नंबर 4.148। जिन लोगों के पास डीके गोयल अवेलेबल है वो पहले इस वीडियो को स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। और जिन लोगों के पास डीके गोयल नहीं है उनके लिए ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन बोलता है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर जो कि अपना प्रॉफिट 1/2, 1/3 एंड 1/6 में क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। उसके बाद बोलते हैं एज 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू एडमिट ए इनटू द पार्टनरशिप, यानी एक नया पार्टनर आ गया है 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। आगे भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि 1/6 जो नया पार्टनर है वो कैसे पुराने वाले पार्टनर से मांग रहा है। इसका मतलब ये बोलता है कि विच ए एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। ये केसेस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, जिन लोगों ने केसेस नहीं देखे हैं वो पहले केसेस देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा वीडियो। तो स्टार्टिंग के वीडियोज मैंने आपको बताया था कि रेशियो हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको समझाया था कि जो नया पार्टनर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है वो अपनी दादागिरी चला रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नया पार्टनर आएगा तो पुराने वाले पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। बताओ यहाँ पार्टनर कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड, तो तीनों को सेक्रीफाइस करना चाहिए। पर यहाँ ए जो नया पार्टनर है वो अपनी दादागिरी चला के क्या बोलता है कि मुझे अपना जो 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए ना वो चाहिए एक्वायर कर रहा है इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी जेड को तो ये माफ़ कर रहा है कि मुझे जेड से कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करवाना और दादागिरी मेरी चलेगी तभी मैं बिजनेस में पार्टनर बनूंगा। तो क्या बोलता है, सिर्फ एक्स और वाई ही सेक्रीफाइस करेंगे और उन्हीं से मुझे अपना शेयर नया वाला चाहिए। ये आपको समझ में आ गया, अभी हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे। आगे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है एंड ही इज टू ब्रिंग, यानी कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है कि 50,000 रुपीज तो मैं कैपिटल का ले आऊंगा एंड 20,000 रुपीज एज प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी जो नया पार्टनर है हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक तो अमाउंट ऑफ कैपिटल लाना पड़ेगा और एक अमाउंट ऑफ गुडविल भी लाना पड़ेगा। तो उसको क्या क्या लाना है बताओ, 50,000 का कैपिटल लाना है और 20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है ए पेड इज कैपिटल, यानी ए को जितना कैपिटल लाना था वो ए लेकर के आ रहा है एंड ही कुड ब्रिंग ओनली 50,000 रुपीज एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखो अब ये केस क्या हो गया, मिक्स वाला केस हो गया। ए यानी नए पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल बताओ कितना लाना था, 20,000 रुपीज, तो पूरा अमाउंट लाया गया। क्या बोल रहा है, ही कुड ब्रिंग ओनली 15,000 रुपीज एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी 20,000 में से केवल 15,000 रुपीज ही कौन ला रहा है, नया पार्टनर। किस में ला रहा है, कैश में ला रहा है। इसका मतलब क्या है बताओ, अगर वो 20 में से 15,000 रुपीज कैश में ला रहा है तो उसको अमाउंट तो पूरा 20 लाना पड़ेगा, नहीं लाएगा तो 15 के बाद जो बचा, तो 20 में से 15 तो कैश में ले आया, 5,000 जो कैश में नहीं ला रहा वो उसके हम लोग क्या कर लेंगे, करंट अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। आगे बोलता है पास करनी है एंट्रीज और कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हमें ऑलमोस्ट अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग क्या निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको समझाया था पुराने केसेस में कि जो नया पार्टनर है उसको अपना शेयर किन से चाहिए, सिर्फ एक्स और वाई से सेक्रीफाइस करवा रहा है, यानी सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेता हूँ मैं पहले। मैंने आपको समझाया था कि अगर सेक्रीफाइस रेशियो पे फोकस करोगे, एक बार सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लिया तो न्यू रेशियो इजीली निकल जाता है। तो ए बोल रहा है कि मुझे अपना 1/6 शेयर किससे चाहिए, दोनों से चाहिए। तो ए जो अपना 1/6 शेयर ले रहा है वो शेयर आपको एक्स के सामने भी लिखना है
और वाई के सामने भी लिखना है। क्यों? क्योंकि एक्स को अपना शेयर दोनों पार्टनर से चाहिए। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 1/6 के सामने लिख दिया, 1/6 इसके सामने लिख दिया। कैसे मांग रहा है दोनों से? इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी अपना जो ए नया पार्टनर है वो 1/6 पार्ट का हाफ तो किससे सेक्रीफाइस करेगा, एक्स से, और हाफ किससे सेक्रीफाइस करवाएगा, वाई से। अगर तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस करवाता तो 1/3 से हो जाता, 1/3 वाई से और 1/3 जेड से। ये मैं आपको अमाउंट लेके भी स्टार्टिंग के वीडियो में समझा चुका हूँ। जिन लोगों का रेशियो निकालने में प्रॉब्लम आ रही है वो स्टार्टिंग के वीडियो जाके देखेंगे तो आपको ये अमाउंट में भी समझाने के बाद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ए ने अपना शेयर दोनों पार्टनर से कैसे लिया बताओ, इक्वली, सिर्फ दो ही पार्टनर से लिया है ना। तो 1/12 इसको सॉल्व कर लो और 1/12 इसको सॉल्व कर लो। तो 1/12 तो बताओ किससे सेक्रीफाइस करवा रहा है, ये एक्स से, और 1/12 से किससे सेक्रीफाइस करा रहा है, वाई से। और हम लोगों ने पढ़ा भी था, देखो ए को जो मिलने वाला है वो कहाँ से मिलेगा, केवल एक्स और वाई से। और एक्स से कितना मिल रहा है, 1/12, वाई से भी कितना मिल रहा है, 1/12। सॉल्व कर ले, कितना हो गया 1/12 तो आ गया एलसीएम, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2/12 का सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/6। तो बताओ उसके बराबर आया कि नहीं आया, आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि जो नए पार्टनर को शेयर मिलने वाला है वो जिन पार्टनर से मिलने वाला है उसके सामने वो फ्रैक्शन लिख देंगे, और इक्वल बोल रहा है तो इक्वली रेशो में, यानी 1/2 और 1/2। तीन पार्टनर होंगे तो 1/3, 1/3 और 1/3, और 4 हो गए तो 1/4 कर देंगे। क्लियर है आपको ये? तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया एक्स का भी और सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया वाई का। अब एक बार सेक्रीफाइस रेशो पे फोकस कर लिया तो न्यू रेशो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको समझाया था, एक फॉर्मूला होता है SON। तो हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस तो हम लोगों ने निकाल लिया, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है, और न्यू रेशो निकालने के लिए न्यू को इधर ले आते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, न्यू रेशो इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा ओल्ड रेशो, इसको छेड़ना नहीं है, इसको इधर रहने देना। ये माइनस का साइन होता है इधर, ये उधर चला जाएगा माइनस के, तो आ जाएगा सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या हो गया, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो लिख लेते हैं हम लोग, न्यू रेशो किस किसके लिए निकालने हैं बताओ, सिर्फ एक्स और वाई के लिए, क्योंकि जेड और नया पार्टनर जो है ए है उसका रेशो तो क्वेश्चन में गिवन है, और इसके रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसका रेशो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो न्यू रेशो किसके लिए निकाल लूँ मैं पहले बताओ, एक्स के लिए और फिर वाई के लिए। अब यहाँ पे जो रेशो गिवन है बेसिकली उनका एलसीएम सेम नहीं है, ओल्ड रेशो। तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ गया 6। तो कितना हो गया, 2 3 6, 3 2 6 और 6 1 6। तो न्यू रेशो क्या आ गया बताओ, इन पार्टनर का, सॉरी ओल्ड रेशो है ये इसका। तो एक्स वाई जेड का जो ओल्ड रेशो है वो कितना आ गया, 3:2, 2:1 आ गया, क्योंकि तीनों का एलसीएम सेम नहीं था, इसलिए एलसीएम सेम लेने के बाद इनका ओल्ड रेशो मैंने दोबारा से कैलकुलेट कर लिया। तो ये इनका क्या निकल गया, ओल्ड रेशो निकल गया एक्स वाई जेड का। अब हम लोग फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, ओल्ड रेशो बताओ पहले वाले पार्टनर का कितना है, एक्स का 3/ टोटल कितना है 6, दूसरे का कितना है 2/6, माइनस का साइन लगा देते हैं, ओल्ड रेशो दोनों के लिख लिए, सेक्रीफाइस रेशो दोनों क्या कर रहे थे, इक्वली, यानी 1/12 इसका और 1/12 इसका। अब क्या कर लेते हैं, अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो बताओ एलसीएम तो ले लेते हैं हम लोग, इसका एलसीएम कितना दिख रहा है आपको, 12 आएगा, 6 2 12, 2 3 कितना हो गया 6, माइनस कितना हो गया 1, कितना आ गया 5/12। फिर बात करते हैं हम लोग इसकी, इसका एलसीएम भी कितना दिख रहा है, 12, 6 2 12 और 2 2 कितना हो गया 4 - 1। ये एलसीएम तो आप इजीली ले लोगे, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कितना हो गया 3/12। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया। तो मैं इनको हटा देता हूँ, ओल्ड रेशो बताओ क्या था हमारा, एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशो था 3:2, 2:1। अब न्यू रेशो में एक पार्टनर और जुड़ गया, कौन है बताओ, ए। तो इनका न्यू रेशो हम लोग लिख लेते हैं, एलसीएम सेम नहीं है तो एलसीएम सेम अभी कर लेंगे हम लोग। तो बताओ एक्स का न्यू रेशो कितना है, 5/12, वाई का कितना है हमारे पास, 3/12, जेड ने क्योंकि सेक्रीफाइस नहीं किया तो जेड का जो पुराना रेशो था वही उसका क्या हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा। तो 1/टोटल कितना है 6, और नया पार्टनर भी कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए। अब डिनोमिनेशन सेम नहीं है, तो मैंने आपको क्या समझाया था, ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो कि नीचे भी कितना आ जाए, बाकी दोनों के बराबर 12 आ जाए। ठीक है, तो नया रेशो क्या हो गया, अब सभी का डिनोमिनेशन आपको सेम दिख रहा है, 12 हो गया, 6 2 12, ये भी 12 हो गया। तो न्यू रेशो आ गया हमारे पास 5:2, 3:2, 2:2। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यू रेशो तो कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन में बोला था न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। अब एंट्री बनाना तो बहुत ईजी है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो चलिए एंट्री बना लेते हैं।
क्या पढ़ा था, नया पार्टनर कैपिटल भी लाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी लेकर के आएगा। तो एंट्री बना लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है तो लिखोगे टू एस कैपिटल, ये क्लास 11 की एंट्री। इसके अलावा क्या चीज ला रहा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी ला रहा है कैश में। कितना अमाउंट ला रहा है, लाना कितना था बताओ, 20 लाना था, पर लाया कितना 15, तो 15,000 रुपीज तो कैश में ला रहा है 20 में से, और 5,000 रुपीज उसके करंट अकाउंट से भी मैं काट लूंगा। तो क्या करें, 15,000 रुपीज क्योंकि कैश में ला रहा है तो 15,000 रुपीज पीएफजी के सामने लिख लिया। कैपिटल कितना ला रहा है नया पार्टनर, 50,000 रुपीज, तो कैपिटल के सामने कितना लिख दिया 50,000 रुपीज। तो दोनों का टोटल कितना आ गया कैश में 65,000 रुपीज। अब मैंने आपको समझाया था बाय वन गेट वन फ्री, जैसे गुडविल का अमाउंट आपके पास आ जाए उस गुडविल के अकाउंट को डेबिट करोगे। आप इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, एग्जाम में शॉर्ट मत लिखना नहीं तो नंबर भी शॉर्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको पूरी तरह लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है हमारे पास 15,000 रुपीज। तो जिस गुडविल के अमाउंट को मैंने पहले क्रेडिट किया था 15,000 रुपीज से, उसको दोबारा डेबिट करके किस पार्टनर में डिवाइड करना है, ओल्ड पार्टनर में। अब ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर तीन है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई और जेड, पर मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ उन्हीं पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल एक्स और वाई। तो लिखोगे टू एक्स कैपिटल और फिर लिखोगे टू वाई कैपिटल। किस रेशियो में करना है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि नया पार्टनर पुराने वाले पार्टनर सिर्फ एक्स और वाई से बोल रहा था मुझे इक्वली चाहिए तुमसे, इसका मतलब एक्स और वाई इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये 15,000 रुपीज को दोनों पार्टनर में इक्वली मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो बताओ कितना अमाउंट आएगा, 7,500 इसके अकाउंट में आ गया और 7,500 दूसरे के अकाउंट में आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी 20,000 में से केवल 15 लेकर आया, तो 5,000 रुपीज उसके अकाउंट से मैं क्या कर लेता हूँ, डिडक्ट कर लेता हूँ। कौन से अकाउंट से डिडक्ट करने है बताओ, करंट अकाउंट। नया पार्टनर कौन है, ए। तो जिस पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट था मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट। कितने से करना है बताओ, केवल 5,000 से, क्योंकि 20 में से 15 तो ले आया और 5 नहीं लाया, तो नहीं लाएगा तो उसके करंट अकाउंट से डिडक्ट करके किस पार्टनर में ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर्स में। लेकिन किस रेशियो में, सेक्रीफाई रेशियो में, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल सेक्रीफाइस कर रहा है केवल एक्स और वाई। सेक्रीफाई रेशियो अभी बताया मैंने आपको इक्वली है, तो 5,000 के दो पार्ट कर दो, 2,500 इसके अकाउंट में आ गया, 2,500 इसके अकाउंट में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आप इस एंट्री को कंबाइन करना चाहो, इन दोनों एंट्री को, तो आप कंबाइन भी कर सकते हो, ये एंट्री तो कंबाइन होगी नहीं, तो सेकंड और थर्ड एंट्री को कंबाइन कैसे कर सकते हो बताओ, वो भी देख लेते हैं। तो आपके पास बुक में जो एंट्री लिखी हुई होगी उसको कंबाइन कर रखा है, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट है और करंट अकाउंट डेबिट है किसका, ए का। उसके अलावा क्रेडिट साइड में जो हमारे पास अमाउंट लिखे हैं वो किसके हैं, एक्स और वाई के। और ऑब्वियस ही बात है, अगर वो अमाउंट गुडविल का कैश में लाएगा तो भी पुराने वाले पार्टनर के अकाउंट में सेक्रीफाइस में जाने वाला है, और अगर वो कैश में वो अमाउंट नहीं लाया तो वो कैश में नहीं लाएगा तो उसके करंट अकाउंट से काट करके भी हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में डालने वाले हैं, सेक्रीफाइस में। तो क्या कर सकते हो आप, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री बना सकते हो, तो बना लेता हूं, लिख लेता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल का 15,000 रुपीज, और करंट अकाउंट भी डेबिट दिख रहा है किसका, ए का। तो लिखोगे ए इज करंट अकाउंट डेबिट, ये आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, कंपोजिट एंट्री। तो इसको मैं कंपोजिट कर सकता हूँ, तो 15,000 तो पीएफजी का आ गया और 5,000 रुपीज के अकाउंट से मैंने डिडक्ट कर लिया, तो टोटल कितना हो गया बताओ, 20,000 रुपीज। और किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, किस रेशो में, सेक्रीफाइस में। तो सेक्रीफाइस केवल एक्स और वाई कर रहे हैं, तो मैंने लिया एक्स और वाई, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया बताओ, 15 और 5 20,000 रुपीज। तो आप ऑलमोस्ट इस एंट्री को हमेशा कंबाइन करके बनाया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वैल्यू निकालोगे ना अलग अलग, कैश वाली और करंट अकाउंट वाली, तो ये पॉइंटों में भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि 15,000 को भी दोनों पार्टनर में और 5,000 को भी दोनों पार्टनर के अकाउंट में जाने वाला है अमाउंट, किस रेशो में जाने वाला है अमाउंट, सेक्रीफाइस में। तो एक साथ ही दोनों एंट्री को लिख करके, और 20,000 रुपीज दोनों पार्टनर के अकाउंट में जाएंगे, किस रेशो में जाएंगे बताओ, सेक्रीफाइस में। सेक्रीफाइस कैसे करें, दोनों पार्टनर इक्वली, तो 20,000 में 10,000 तो इसका हो जाएगा और 10,000 इसका हो जाएगा, जिस तरह से आपको यहां भी दिख रहा है। बताओ एक्स का कैपिटल अमाउंट क्रेडिट कितना है, पहले 7,500 से, एक बार फिर क्रेडिट हुआ है कितने से, 2,500, तो 7,500 और 2,500 को जोड़ो कितना आएगा बताओ,
10,000। इसी तरह वाई का भी सेम है, इसका भी क्रेडिट इतना है 7,500 और क्रेडिट इतना है 2,500। इसको भी ऐड कर लिया तो कितना हो गया बताओ, 10,000 रुपीज। अगर आप दो अलग अलग एंट्री बनाना चाहो तो बना सकते हो, और कंबाइंड करके बनाना चाहो तो आप इसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली बार हम लोग मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में।